तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आपके एनसीईआरटी बुक्स के बारे में। इसमें हम लोग कक्षा 11वीं की दूसरी जो आपकी पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान की दूसरी बुक्स है, जिसका नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इसमें हम लोग 5 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। कौन कौन से खत्म कर चुके हैं? पहला चैप्टर आपका था संविधान क्यों और कैसे, दूसरा चैप्टर था आपका भारतीय संविधान में अधिकार, जो आपके मौलिक अधिकार हैं क्या क्या है उनके बारे में हम लोगों ने बड़े विस्तार से बात की थी। फिर हमारे देश में चुनाव कैसे होता है, हम नेताओं को किस तरह से चुनते हैं उनके बारे में हम लोगों ने बड़े विस्तार से जाना था। फिर हम लोगों ने 4th नंबर यानी कि चौथे चैप्टर में देखा था कि कार्यपालिका क्या क्या काम है, क्या होती है कार्यपालिका। 5वें चैप्टर में हम लोगों ने विधायिका के बारे में जाना था। आज हम बात करेंगे न्यायपालिका के बारे में। आज आपका 6वां चैप्टर है न्यायपालिका, और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप देखते हैं कि कभी भी आपके अधिकारों का हनन होता है, या आपने देखा होगा कि फर्जी आप पर एफआईआर कर दी जाए या आपको किसी फर्जी केस में फंसा दिया जाए, तो आपको भरोसा किस पर रहता है? पुलिस वालों पर तो आपको भरोसा नहीं रहता है कि वो एक तरह से अच्छी तरह से आपकी जो भी रहेगी जान, मतलब एक न्याय मिलेगा। आपको भरोसा रहता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपके यहाँ जो भी अदालत रहती है उस पर भी आपको भरोसा रहता है। तो न्यायालय, न्यायपालिका के शब्द से ही आपको इसकी परिभाषा मालूम चल जाती है। अगर आप अच्छे से अगर इसके शब्द को देखें तो आपको इसके शब्द में ही इसकी परिभाषा क्या है छुपी हुई है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि न्यायपालिका का मूल काम यही है कि हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है, जो लिखे कानून है उसमें, उनका पालन करना और पालन करवाना। अगर कोई पालन नहीं करता है तो जबरदस्ती उसका पालन करवाना। अब आप समझिए, आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। आप जानते हैं ना कि भारत, आपके भारत को जो संविधान है उसमें आप देखते हैं भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगर इसका कोई हनन करता है, सरकार हनन करती है, तो आप कहाँ जा सकते हैं? आर्टिकल 32 के तहत, जिसे आप लोग संविधानिक आर्टिकल एक तरह से कहते हैं, सब संविधान की आत्मा भी कह देते हैं आप लोग, तो उसके तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके अधिकारों का हनन होता है। अब मान लीजिए अगर आपको पास न्यायपालिका ना होती तो मुझे लगता है लोकतंत्र एक तरह से होता ही नहीं। आपके अधिकारों का कोई भी हनन कर रहा होता, कोई भी जबरदस्ती आके आपके बोलने पर पाबंदी लगा देता, या एक तरह से चलने फिरने व्यापार करने पर एक तरह से पाबंदी लगा देता, समझ रहे आप लोग? तो आपके पास कम से कम न्यायपालिका का सहारा है, वो आपकी रक्षा करता है। तो चलिए हम लोग बड़े विस्तार से आप बात करते हैं न्यायपालिका के बारे में। बस आपको बड़े धैर्य के साथ सुनना है, या आप लोग बुक्स पढ़ रहे हैं तो बड़े धैर्य के साथ आप लोग पढ़िए, क्योंकि इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा आपको जो आपको समझ में ना आ सके। बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है आपकी एनसीईआरटी। तो इसकी जो भी आपकी कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक की अभी तक कंप्लीट की गई है, कक्षा 11वीं की एक बुक और हम लोगों ने कंप्लीट की हुई थी राजनीति विज्ञान की, तो राजनीतिक सिद्धांत के नाम से थी, तो उन सबकी PDF आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है। और उनकी जो वीडियो क्लासेस है वो आपको एनसीईआरटी पूर्ण कवरेज के नाम से, जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डली हुई है। और फिर से बता देता हूँ, मुझे लगता है कि अब तो बताने की जरूरत भी नहीं है कि एनसीईआरटी आपकी सिविल सर्विस, स्टेट पीसीएस के लिए कितनी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, एक तरह से रखती है। और एक बात और आप समझते होंगे, मान लीजिए आप लोग नई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तब भी तो मुझे लगता है आपको अपनी राजनीति के बारे में मालूम होना चाहिए, आपके अपने अधिकारों के बारे में मालूम होना चाहिए। आप अपने नेताओं को किस तरह से चुनते हैं, प्रधानमंत्री को किस तरह से चुनते हैं, राष्ट्रपति साहब, उपराष्ट्रपति साहब, मुख्यमंत्री, इनके बारे में भी तो आपको मालूम होना चाहिए। न्यायपालिका के बारे में भी मालूम होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, क्योंकि इसमें तो हर कोई फंसता रहता है, कि इस तरह के केस, फर्जी केस तो हर कोई किसी पर होते रहते हैं, फिर चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी तरह का हो। ठीक है, आमतौर पर न्यायालय को विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के आपसी विवादों को सुलझाने वाले पंच के रूप में देखा जाता है, लेकिन न्यायपालिका कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कामों को भी अंजाम देती है। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में हम पढ़ भी चुके हैं कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि एक समय आपके गांव में पंच हुआ करते थे, जो पंचायत किया करते थे, और अगर आप पर अत्याचार हुआ या आपके साथ गलत हुआ तो आपको निर्णय
यानी कि न्याय दिलाने का काम करते थे। तो उसी तरह से आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यही काम करता है। क्या करता है? आपको न्याय दिलाने का काम करता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट साक्ष्य के आधार पर चलता है, आपकी भावनाओं के आधार पर नहीं चलता है, ये भी याद रखिए। जब आप लोग इस अध्याय को पढ़ लेंगे तो उसके बाद निम्नलिखित बातों को जान सकेंगे। क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका क्या है? संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका क्या है? और भारत की संसद और न्यायपालिका की आपसी संबंध क्या है? और आप जानते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब सीधा सा इतना है कि आप समझिए ना, तो बीजेपी की अगर सत्ता है या कांग्रेस की सत्ता है तो वो किसी के साथ मिलकर काम नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं, वो एक तरह से निष्पक्ष निर्णय देगा, वो किसी के पक्ष में नहीं रहेगा। इंदिरा गांधी के समय आप लोगों ने देखा है ना, इंदिरा गांधी के समय आप लोगों ने, उनकी सत्ता थी उनके, फिर भी आपने देखा है उनके खिलाफ हर निर्णय दिया जा रहा था लगभग उनकी। फिर चाहे लोकसभा सदस्यता को लेकर बात करें या पीवी परस को लेकर बात करें, बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर बात करें, ठीक है? तो इसीलिए तो आपको भरोसा है, वरना आप सोचिए आपको प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। आज कई ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जिससे प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन अपने संविधान, अपनी न्यायपालिका पर भरोसा हर किसी को है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमें न्यायपालिका या अपने संविधान पर भरोसा नहीं है। तो मुझे लगता है उसे निकल जाना चाहिए आपने, अगर इन दोनों पर भरोसा नहीं है तो। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की क्यों चाहिए आखिर? हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूह के बीच और व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री पुरुष या अंगड़े पिछड़े, सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करें। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है और विवादों को कानून के अनुसार हल करती है, और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले। इसलिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है? यह स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है? आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति के अगर चुनाव में भी विवाद होता है तो इसका निर्णय, यानी कि एक तरह से इसे पर जो भी निर्णय होता है वो सुप्रीम कोर्ट ही देता है, आपका न्यायालय ही देता है, ठीक है? और एक बात और याद रखिए आप लोग, प्रधानमंत्री पीएमओ, प्रधानमंत्री पद की बात कर रहा हूं मैं, किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही नरेंद्र मोदी या फिर किसी कांग्रेस के लीडर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक पद है, और अगर ये अपना कर्तव्य निभाता है तो आप सोचिए कि हमारा देश बहुत आगे निकल चुका होता। आप लाल बहादुर शास्त्री समझ सकते हैं, वो भी एक व्यक्ति थे, वो भी प्रधानमंत्री पद पर का एक तरह से पहुंचे और उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। आप जानते हैं कि एक तरह से जब वो पद की ओथ लेने जा रहे थे, यानी कि कह सकते हैं शपथ लेने जा रहे थे, तब उनके पास फटी हुई धोती थी। उनकी जो भी उनकी पत्नी ने कहा कि आप नई धोती सिलवा लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा हमारे किसान इस तरह, हमारे देश के कई किसान फटी धोती पहनते हैं। आपने देखा है कि उनके कद को, छोटे थे वो कद में, तो कहा जाता था कि उनका पाकिस्तान में कई लोगों मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि वो हर समय संभव एक तरह से कोशिश करते थे कि जवाब दिया जाए, ईंट का जवाब पत्थर से। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने उस समय कहा कि वो एक तरह से तनाव खड़ा कर रहा था जो भी हमारे यहाँ खाद्यान्न आता था वहां से, क्योंकि हम खाद्यान्न में पूरी तरह से निर्भर नहीं थे। आप जानते हैं कि जय भारत जय भारत जय भारत जय किसान का नारा दिया उन्होंने, और आपने देखा है कि उन्हीं के समय एक तरह से आप कह सकते हैं कि खाद्यान्न में हम लोग आत्मनिर्भर भी हुए। तो हमारे देश ने इस तरह के भी प्रधानमंत्री देखे, आप समझ रहे हैं, और आज के प्रधानमंत्रियों को आप देख सकते हैं। मैंने इसीलिए आपकी बायोग्राफी सभी लोगों की कवर की हुई है कि कम से कम आप लोगों को उनके बारे में मालूम चल सके। इसी तरह आप सुप्रीम कोर्ट की बात करिए या न्यायपालिका की, जो भी बात करनी हो, न्यायपालिका अपने आप में शब्द या इस पर जो व्यक्ति बैठता है वो अलग है और न्यायपालिका अलग है। आप समझिए अगर दोनों एक होते, मान लीजिए कि कोई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आता है या कोई अन्य न्यायाधीश है, वो अपने कर्तव्यों को नहीं निभा रहा है, तो आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट नहीं निभा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर अपने कर्तव्यों पर, जो भी सुप्रीम कोर्ट के कर्तव्य है, अगर उस व्यक्ति के भी वही कर्तव्य है, अगर वो अपने ईमानदारी से कर्तव्य निभाता है, तो आप समझिए आप कभी नहीं कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत निर्णय दिया है। मान लीजिए आप गरीब हैं, आप पर कोई केस हुआ है, तो आप देखते होंगे कि इतना लंबा प्रक्रिया चलती है आपके लिए
ऐसा कहा जाता है कि एक महिला के साथ बलात्कार होता है, जब उस केस का फैसला आता है उस महिला को मरे हुए 10 साल हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। तो इस व्यक्ति एक व्यक्ति का, और आप लोगों ने सुना होगा कि एक व्यक्ति को सजा होती है, मतलब उसका नाम फर्जी लिखवा दिया जाता है, वो 25 साल जेल काट चुका होता है, 25 साल बाद उसका निर्णय आता है, उससे कह दिया जाता है कि आप बिल्कुल निर्दोष हो, आपने कोई दोष नहीं किया, आपने कोई गलती नहीं की। आप समझिए कि 20-25 साल गुजरने के बाद निर्णय आ रहा है। इस तरह आपने देखा है जेलों में कई कैदी भरे हुए हैं, बिना मतलब एक तरह निर्दोष है, फिर भी उनका निर्णय नहीं हो पाता है। तो इस पर जो पद पर बैठे हुए लोग हैं उनकी गलती है। आपके पास पैसा है तो आप देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट रात में भी खुल जाता है, कई मामले आप लोग देखते होंगे, समझ रहे हैं आप लोग, हाल ही में आई कई मामले आप लोग देखते होंगे न्यूज़पेपरों में। तो देखिए व्यक्ति, ये तो देखा जाता है, लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है कि कानून के शासन के सिद्धांत, यानी कि कहने का मतलब है कि आपको एक स्वतंत्र संस्था दे दी गई है, अब वो किस तरह से उस पर बैठे काम किस तरह से लोग कर रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है। वरना सुप्रीम कोर्ट की नजर में ना तो आप गरीब हैं, तब आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा ना, फिर चाहे महिला पुरुष कोई भी हो, आप लोग पढ़े लिखे हैं अनपढ़ हैं, इससे कोई मतलब नहीं है उसे, ठीक है। ये तो क्या है कि एक तरह से आप कहते हैं ना कि भगवान तो एक है, वो गलती कहीं नहीं करता है, वो कहीं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। लेकिन नीचे जो लोग बैठे हुए हैं, जो पुजारी हैं आपके, जो एक तरह से कह लीजिए धर्म गुरु हैं, वो एक तरह से भेदभाव फैला रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये जाति है, ये निचला है, ये उछड़ा है, आप समझ रहे हैं आप लोग। वरना ऊपर तो सबके लिए एक ही व्यवस्था है, वही इसी तरह आप समझ सकते हैं कि एक तरह से आप जब खून की जरूरत आपको पड़ती है, तब आप ये नहीं कहते हैं कि ये एसटी का खून है, ये मुस्लिम का खून है या किसी और का खून है, तब तो आप खून ले लेते हैं। लेकिन बाहरी बाहरी दुनिया में आप निकलते हैं तो आप क्या कहते हैं, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये एसटी जाति से आता है, ये जनजाति जाति से आता है, ये महिला है, ये पुरुष है। तो ऊपर वाले ने कोई आपके साथ एक तरह से भेदभाव नहीं किया हुआ है, ये तो निचले वालों ने गंदगी फैला रखी है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को पूरी तरह से एक समान समझा है, उसके पास जो साक्ष्य आएंगे वही उपलब्ध रहेगा, और बस ये निचले वाले जो भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो भी इस पर बैठते हैं पद पर, यही एक तरह से फैला देते हैं, उटपटांग काम कर देते हैं। आप समझिए कि आपकी फाइल है, मान लीजिए कि आपने अगर किसी वकील को पैसे दे दिए तो वो क्या करेगा, नीचे की फाइल ऊपर रख देगा, आपका केस जल्दी निपट जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। और ये मैंने कई बार देखा भी है, और हकीकत में ये हकीकत है, ठीक है। मैं कुछ देखिए एक बात और बताऊं आप लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा कई बार कांग्रेस के लीडर आर्टिकल लिखते हैं, कई बार बीजेपी के लीडर आर्टिकल लिखते हैं, कई पार्टियों के लीडर आर्टिकल लिखते हैं, उसमें से आपको वो पॉइंट छांटना होता है जो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि अगर कांग्रेस के लीडर ने लिखा है तो बीजेपी की बुराई लिखी होगी 100%, ये तो क्लियर है, या बीजेपी के लीडर ने लिखा है तो कांग्रेस की बुराई लिखी होगी उसमें, लेकिन आपको बुराई हटा देना है, आपको अच्छा ही लिखना है। तो याद रखिए हकीकत कुछ भी हो, जब आंसर आप लोग लिख रहे हैं तो आप लोगों को सही यही लिखना है पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सीधे सरल शब्दों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करें, न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके। अभी आपने देखा होगा कुलभूषण, बात करिए प्रशांत भूषण के केस में, कुलभूषण अब वो पाकिस्तान में जो हमारे बंद है उनकी बात कभी कभी आ जाता है, एक समान शब्द लगता है ना। तो प्रशांत भूषण के केस में आप लोगों ने देखा है न्यायपालिका किस तरह से फंस चुकी थी अपने बिछाए जाल में, समझ रहे हैं आप लोग। तो एक बात यहां याद रखिए, आप मान लीजिए ऐसा ना हो भगवान, मैं तो यही कहता हूं, लेकिन ऐसा कोई अगर मुख्य न्यायाधीश आ जाता है कि शाम के प्रधानमंत्री से पर चाय पर बात हुई, उन्होंने कहा इस फैसला इसमें लेना है, इस तरह का फैसला लेना है आपको, और सुपर सुबह सुप्रीम कोर्ट की बेंच खुली, जो भी हुआ सुप्रीम कोर्ट खुला, उन्होंने वही निर्णय दिए, तब हमारे संविधान का क्या हुआ, तब आप कहिए लोकतंत्र का क्या मतलब हुआ, एक तरह से चाइना जैसा हाल हो जाएगा, पाकिस्तान जैसा हाल हो जाएगा हमारा, समझ रहे हैं। वैसे ही हमारी स्थिति कंडीशन बहुत खराब है, आप देखते हैं कि लोकतंत्र का जब भी सूचकांक आता है तो हम लोग नीचे से टॉप कर रहे होते हैं, ऊपर से टॉप नहीं कर रहे हैं होते, हम लोग नीचे से टॉप कर रहे होते हैं, फिर भी हमारी काफी अच्छी स्थिति है।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता और उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। और याद रखिए, लोकतंत्र को अगर सही में कोई बनाए रखे हुए तो आपका संविधान और न्यायपालिका। न्यायपालिका कहने का मतलब मेरा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो भी आपकी निचली अदालतें होती हैं उसमें। एक प्रसिद्ध वकील होने के नाते आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि आपका बर्ताव खंडगा और उपखंड G18 को भारतीय दंड विधान की धारा 9 खा के साथ पढ़ने और इस तथ्य के बावजूद, ये देख रहे हैं आप लोग, ये अदालत है, कृपया मुट्ठी बांधकर बहस ना करें, यानी कि गुंडागर्दी ना करें। एक बात और आप लोग देखते होंगे, जब आप लोग कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स बना के आप लोग NCERT का पढ़ा दीजिए, तो मुझे लगता है इस तरह के जो भी कार्टून रहते हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे उसमें। तो मेरा मानना ऐसा है, कम से कम NCERT बुक्स को एक बार आप लोगों को विस्तार से पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए, ठीक है। और दूसरे के शॉर्ट नोट्स पर कभी भरोसा मत कीजिए, कभी निर्भर मत रहिए। अध्याय 2 में बताया गया कि मच्छल का मामला मुझे याद है, कहा जाता है कि इंसाफ में देरी करना इंसाफ से इनकार करना है। किसी ना किसी को इस सिलसिले में कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, ये सही बात है। आप सोचिए, उस महिला को मरे हुए 10 साल गुजर गए तब उसके केस का फैसला आ रहा, क्या मतलब है उस फैसले का। इसी तरह उस व्यक्ति की देखिए जो 25 साल जेल काट चुका है, उसका फैसला आ रहा है, क्या मतलब है उसके फैसले का। समझ रहे हैं आप लोग, न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसी दी जा सकती है, उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया है। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहे, और न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए, और उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए। आप समझिए कि इसमें कोई कानून के विशेषज्ञ ही, एक तरह से कानून क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही एक तरह से क्या हो सकता है, आपका सुप्रीम कोर्ट या न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। समझ रहे हैं, फिर चाहे आपके हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो। आप लोगों ने देखा होगा, आपके कानून मंत्री कोई भी बना दिया जाता है, उसमें आपको डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई किसी आवश्यकता नहीं है, और वो निर्णय हमेशा किसके, सरकार के पक्ष में देता है। आप मान लीजिए इसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट भी में भी नियुक्ति होती, सरकार जैसे कांग्रेस की आई या बीजेपी की आई, उन्होंने अपना मुख्य न्यायाधीश बैठा दिया और अपने फैसले देना शुरू कर दिए, तब क्या होता, आप लोग सोच सकते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है और वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, और हटाना इतना आसान भी नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता है। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों पर सुरक्षित रहेगा। एक बात और बताऊं आप लोगों को, आप लोग भी तो देखते होंगे कि IAS और IPS के जो भी लोग होते हैं उनके लिए भी यही कहा गया कि उनका टर्म, यानी कि कहीं आप लोग देखेंगे अशोक खेमका का नाम सुनते रहते हैं, कितने बार उनका ट्रांसफर हुआ। तो कम से कम अगर आप एक जिले में जा रहे हैं तो 1 से 2 साल तो आपको मिनिमम रहना चाहिए, वरना किसी पार्टी ने आए वो सत्ता में आई, आपको 6 महीने में मालूम चला कि 6 बार ट्रांसफर हो चुका है, इसीलिए देखते हैं आप लोग की भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। अब आप अपने परिवार के साथ हैं, मान लीजिए बीवी बच्चे सब कुछ है, तो आपने अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ करा लिया है, सब कुछ सेटलमेंट एक तरह से जम चुके हैं आप लोग वहां, फिर आप सोचेंगे कि आपका ट्रांसफर दूसरे दिन क्या कहा जाए कि वहां हो चुका है, फिर आप वहां जाएंगे, फिर वहां से वहां जाएंगे, तो इसलिए व्यक्ति सोचता है कि चलिए भ्रष्टाचार कर, उसी में हम लोग भी सम्मिलित हो जाते हैं, कम से कम अपने परिवार का अच्छा अच्छा तो रहेगा परिवार के लिए। और आप सोचिए दूसरी तरफ ऐसा हो जाए कि टर्म निर्धारित हो जाए कि 2 साल के पहले इस व्यक्ति को इस पद से हटाया नहीं जा सकता है, कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, तब मुझे लगता है कि वो भ्रष्टाचार में कभी सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है। न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है। अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार है। अभी जो प्रशांत भूषण का मामला बताया ना, उसमें यही हुआ था, लेकिन वो मामला एक तरह से अलग पड़ गया था, ठीक है।
माना जाता है कि इस अधिकार से न्यायाधीशों की सुरक्षा मिलेगी और कोई उनकी नाजायज आलोचना नहीं कर सकता है। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो, और इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय करती है। यहाँ खुद करें और खुद सीखें। क्या बोल रहा है? अपनी कक्षा में निम्नलिखित विषयों पर वाद विवाद का आयोजन करें। आपकी राय में निम्नलिखित में से कौन सी न्यायाधीशों के निर्णय को प्रभावित करती है? क्या इन्हें ठीक मानते हैं? याद रखिए, इस तरह के जो भी क्रियाकलाप होते हैं, साइंस में आप लोगों ने बड़े क्रियाकलाप पढ़े, तो आप लोगों को करना नहीं है कि आप लोग क्लास में जाकर बैठ रहे हैं, घंटों बात कर रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है। जो कक्षा 11वीं में बच्चे पढ़ते होंगे उनके लिए तो आप लोगों को पढ़ना है, वो आगे निकल जाना है। संविधान, पहले लिए गए फैसले, अन्य अदालतों की राय, जनमत, मीडिया, कानून की परंपरा, कानून, समय और कर्मचारियों की कमी, सार्वजनिक आलोचना का भय, कार्यपालिका द्वारा कार्रवाई का भय। एक बात और याद रखिए, अब आप कहेंगे कि किस तरह से निर्णय लिए जाते हैं, तो संविधान के आधार पर लिए जाते हैं, सही बात है, लेकिन आप देखेंगे कि पुराने साक्ष्य भी रखे रहते हैं कि पहले वाले फैसले पर इस तरह का फैसला कोई आया हुआ था, उस पर क्या निर्णय था, तो उसके आधार पर भी एक तरह से फैसले लिए जाते हैं। ठीक है, याद रखिए। अब बात करते हैं हम लोग न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। यहाँ क्या दिया गया पॉइंट, इसे भी देख लीजिए। मेरा तो सिर्फ चकरा रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र में आप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक की आलोचना कर सकते हैं, न्यायाधीशों की क्यों नहीं? और फिर यह अदालत की अवमानना क्या बला है? क्या मैं ये सवाल करूं तो मुझे अवमानना का दोषी माना जाएगा? इस पर वाद विवाद चलता रहता है। आप देखेंगे कई देशों ने अवमानना का जो प्रारूप था इसे हटा दिया है। इसलिए हटा दिया गया कि मैंने बताया ना आप लोगों को कि ऐसा भगवान ना करे, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है कि जो सत्ता में रहती है पार्टी और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों का पूरी तरह से बर्ताव उनके पक्ष में रहता है, तब क्या हम चुप बैठे? क्या तब भी मैं कुछ ना बोलू? क्या तब बुराई नहीं कर सकते उसकी? क्या उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते? तो प्रशांत भूषण ने यही कहा था कि मैं रास्ता दिखा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को और भरोसा कम होता जा रहा है जनता का। तो आपने देखा है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ही अपने जालों में बिछ चुका था, एक तरह से कह रहा था कि आप माफी मांग लीजिए, मैं आपको माफ कर देता हूं। लास्ट में आपने देखा है कि 1 रुपया जुर्माना रखा गया था। न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक रूप से निर्विवाद नहीं रही है या राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन हो, इससे संविधान की व्याख्या पर पड़ जा सकता है। न्यायाधीशों का राजनीतिक दर्शन क्या है? सक्रिय और मुखर न्यायपालिका के बारे में उनका क्या राय है? नियंत्रित और प्रतिबद्ध न्यायपालिका के विषय में उनके उसके क्या विचार हैं? इन सब बातों का प्रभाव लागू किए जाने वाले कानून पर पड़ता है। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा बनी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को पद पर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इस परंपरा को 2 बार भी तोड़ा भी गया। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. Ray को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। फिर 1975 में देखेंगे न्यायमूर्ति H.R. Khanna को पीछे छोड़ती हुए न्यायमूर्ति M.H. Bay की नियुक्ति की गई थी। इन 2 न्यायाधीशों के नाम भी आपको याद रखना है। क्यों रखना है? अगर कभी नियुक्ति पर अगर क्वेश्चन बनता है आपका, तो आप अपवाद स्वरूप इन्हें भी लिख सकते हैं। वैसे आप कहेंगे कि यही प्रक्रिया है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है उसे ही नियुक्त किया जाना चाहिए मुख्य न्यायाधीश के पद पर, लेकिन आप लोग कहेंगे, ये भी कहेंगे कि इसका अपवाद भी रहा है 2 बार, और इन 2 परिस्थितियों को आप लोग लिख सकते हैं। तो समय समय पर आपको देखने को मिलेगा कि राजनीतिकरण भी होता रहता है। कई मुख्य न्यायाधीश आपके राज्यसभा के लिए भी चुने गए, तब भी एक तरह से सवाल उठने लगते हैं कि आप सोचिए क्या जो मुख्य न्यायाधीश है वो कल कोई पार्टी उसे कह दी कि मैं राज्यसभा का टिकट दे दूंगा, मेरे पक्ष में कोई निर्णय दे दीजिए, तो इससे क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो एक तरह से आपका ये महत्व है या भरोसा है वो गिरने लगेगा। तो कहा जाता है कि इन्हें राजनीति में कभी नहीं आना चाहिए। जब वो ये लोग रिटायर्ड होते हैं तो इनके पास काफी इन्हें व्यवस्था कर दी जाती है, तो इन्हें अपनी जिंदगी जीना चाहिए। इससे क्या होगा कि लोकतंत्र पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सर्वोच्च न्यायालय की जो भी शाखा है उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है। फिर मुख्य न्यायाधीश से सलाह का क्या महत्व है? एक तरह से आप समझिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं आप लोगों से और ये हकीकत है, इसे आप लोग एक तरह से नकार नहीं सकते, कि राष्ट्रपति को कौन चुनता है?
सत्ता पार्टी ही बनाती है ना राष्ट्रपति को, कि जिसका लोकसभा राज्यसभा और विधानसभाओं में बहुमत हो। और आप समझिए कि राष्ट्रपति किसे नियुक्त कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कर रहा है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता होगा, उनसे तो सलाह कुछ करता होगा, सलाह मशवरा। ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति किसी को भी उठा के कुछ भी नियुक्त कर दे। तो मैंने हमेशा आप लोगों से बोला है कि डायरेक्ट नहीं कह सकते आप लोग, लेकिन इनडायरेक्ट सभी में एक तरह से राजनीतिकरण होता है, सबका जो झुकाव राजनीतिक पार्टी की तरफ होता है, ये मानिए या नहीं मानिए, ये हकीकत है। आप लोग देखते होंगे राज्यपालों को, आप लोग देखते हैं राज्यपालों का दुरुपयोग। आप लोग, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि बीजेपी के समय की बात कर रहा हूं। आपने एमपी और आप देख राजस्थान में देखा है आप लोगों ने, इसी तरह आपने केरल में, कर्नाटक में भी देखा है, केरल कर्नाटक हर जगह आपने देखा है। और आपने एक तरह से आप समझिए इंदिरा गांधी के समय भी आप देख सकते हैं। तो समय हमेशा इसका दुरुपयोग समय समय पर होता रहता है राज्यपालों का, सरकार गिनाने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि पद कभी भ्रष्ट नहीं होता है, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति ही भ्रष्ट होता है, वही भ्रष्टाचार करता है। आप कहें राज्यपाल पद गलत है, मैं कभी नहीं कहूंगा कि गलत है, लेकिन उस पर जो व्यक्ति बैठता है वो गलत बन जाता है, तो उस पद की भी गरिमा को गिरा देता है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में मंत्रिपरिषद की बात कुछ ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। फिर यह मान लिया है कि न्यायपालिका अपनी नियुक्ति आप ही करने वाला निकाय है। 1982 से 1998 के बीच बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया कि शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है, लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेगा। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिशों के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया है, और इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज्यादा प्रभाव देखा जाता है। और इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए आप लोग जब भी आंसर लिख रहे हो तो आप लोगों को दोनों पक्षों को देखना होगा। अब आप वहां लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, कि एक तरह से कैसे कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का हस्तक्षेप रहता है या मंत्रिपरिषद का इसमें कुछ ना कुछ लेना होता है, तो दूसरी तरफ आप कहेंगे ऐसा नहीं है, ये 1982 से 1998 के बीच देखा गया था, लेकिन न्यायालय ने फिर विचार किया और न्यायालय ने कहा कि अब इसमें कोई निष्पक्ष होना चाहिए। इसलिए न्यायालय ने क्या कहा कि इसमें जो भी उनके चार मुख्य अन्य न्यायाधीश होंगे, वरिष्ठतम जो भी न्यायाधीश होंगे, वो क्या करेंगे, मुख्य न्यायाधीश और अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह पर ही राष्ट्रपति एक तरह से काम करेगा। इसके अलावा ऐसा नहीं कि उन्होंने जो नाम सुझाया उसके अलावा कोई किसी व्यक्ति को न्यायाधीश बना दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोग पॉइंट बड़े याद रखा करिएगा। अगर बात करें न्यायाधीशों के को पद से हटाने की, कि इन्हें हटाने की एक क्या प्रक्रिया है, सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफी कठिन है, कोई सरल काम नहीं। कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में उन्हें पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। क्या आपको याद है कि यह विशेष बहुमत क्या है, इसे हमने चुनाव वाले अध्याय में पढ़ा है। इसमें से स्पष्ट है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। जब तक कि संसद के सदस्यों में आम सहमति ना हो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता है। यह भी गौरतलब है कि जहां उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं उनको हटाने की शक्ति विधायिका के पास है। इससे इसके द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे और शक्ति संतुलन भी बना रहे। देखिए विशेष बहुमत का मतलब यही है कि दो तिहाई बहुमत होना चाहिए, और आप समझिए कि बहुत कठिन होता है दो तिहाई बहुमत जुटाना। मान लीजिए चलिए लोकसभा में आप लोगों ने जुटा लिया, लेकिन क्या राज्यसभा में जुटाना इतना आसान है, तो आसान नहीं है। आप लोग समझिए अब तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाने का केवल एक प्रस्ताव विचार के लिए आया है। इस मामले में हालांकि दो तिहाई सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, लेकिन न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका क्योंकि प्रस्ताव पर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त न हो सका। कई बार इस तरह के आ रहे न्यायालय, अभी पिछले बार आप लोगों ने देखा होगा एक न्यायालय, एक तरह से संसद में इस तरह का मामला हुआ था, लेकिन वो पास नहीं हुआ था और ना ही कभी हो पाएगा। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, जब तक कि सभी पार्टियां, लगभग पार्टियां एक ना हो जाए, आप समझिए, ठीक है। न्यायाधीश को हटाने का असफल प्रयास
अभी हुआ था, लेकिन इससे पहले 1991 में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय की एक न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। न्यायमूर्ति बी रामास्वामी पर आरोप था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वित्तीय अनियमितताओं की और संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की। और इसके एक वर्ष बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने न्यायमूर्ति बी रामास्वामी को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने और संवैधानिक नियमों की धज्जी उड़ाने के कारण नैतिक पतन तथा पद का जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी पाया। इतने कठोर आरोप के बाद भी रामास्वामी पर संसद में महाभियोग सिद्ध ना हो सका। महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों की जरूरी 2/3 मत तो पड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया, अतः प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिल पाया और इस कारण ये गिर गया था। आप समझ सकते हैं कि इसमें मालूम है कि दोषी है, फिर भी दोष पूरी तरह से सिद्ध करने में मुश्किल पड़ रहा है, उन्हें नहीं हटाया जा पा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के मामले भी देखने को मिले। कहां पहुंचे, क्या समझे अभी तक आप लोग? न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है? क्या आपकी राय में कार्यपालिका के पास न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति होनी चाहिए? यदि आपसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव करने का सुझाव देने को कहा जाए तो आप क्या सुझाव देंगे? तो यही आप लोगों को देखो देखना चाहिए कि राजनीतिकरण कम होना चाहिए, मैं तो कहता हूं हमेशा। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि राजनीति, आप देखते हैं कि किस तरह हमारे देश की राजनीति निचले स्तर तक गिरती जा रही है। आप समझिए, एक समय समझ सकते हैं कि आजादी के समय आपने देखा है कि नेहरू जी का मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उस समय आप देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्थान दिया गया उसमें। आप समझ सकते हैं कि भीमराव अम्बेडकर साहब को एक तरह से उसमें जगह दी गई, क्योंकि ये लोग अपने अपने क्षेत्र के महारथ थे एक तरह से। क्या आप कह सकते हैं कि अगर कानून मंत्री अगर भीमराव अम्बेडकर को नहीं बनाया जाता या उन्हें इस तरह की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता तो क्या आज हमारा जो संविधान इस तरह का होता? क्या आप कहें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बिना देश को एक कर पाना संभव था? मैं तो नहीं कहता हूं कि पूरी तरह से संभव था। हो सकता था कि कुछ रियासतों को आप संभव कर लेते, मिला लेते, लेकिन सभी को एक करना बहुत आसान नहीं था। इसलिए आप देखते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हर तरह से कि हथकंडे जो भी रहे उन्होंने अपनाए, तब जाके हम लोग आज भारत एक है। और आज कहिए कि भारत एक है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान संविधान का है। संविधान किसकी देन है? भीमराव बाबा जो भी भीमराव अम्बेडकर साहब की, ठीक है, बाबा साहब की। वरना आप जानते हैं कि हमारे देश में कई धर्म मिल जाएंगे, कई जातियां मिल जाएंगी, कई आपको एक समूह मिल जाएंगे, कई भाषा बोलने वाले मिल जाएंगे, और इनके सबके अपने अपने हित भी अलग अलग थे, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि संविधान होने की वजह से राष्ट्रवाद बना हुआ है। संविधान में हमारा भरोसा है, ठीक है, हम लोग किसी पर भरोसा करें या ना करें, सर्वोच्च न्यायालय और संविधान पर जरूर भरोसा करते हैं। अब बात करते हैं न्यायपालिका की संरचना के बारे में। भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और सबसे निचले जिला और अधीनस्थ न्यायालय। यहाँ आप लोग नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं, ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं आप लोग। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है या किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है या किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा भी सकता है। ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय काम कर सकता है। उच्च न्यायालय की अगर बात करें, जिसे आप लोग हाईकोर्ट भी कह देते हैं, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है, मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है, और याद रखिए सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाईकोर्ट आपका आर्टिकल 226 के तहत। तो राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा भी कर सकता है, अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षक और नियंत्रण भी करता है। जिला अदालत की बात करूं तो जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करता है, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई भी करता है, गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला भी देती है आपकी जिला अदालत। अधीनस्थ अदालत की बात करें तो फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करती है आपकी अधीनस्थ न्यायालय। जब भी न्यायपालिका के बारे में बात करते हैं तो ये सभी सम्मिलित रहती है उसमें, ठीक है आप लोग, एक कोई अकेली नहीं रहती है।
सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार की अगर बात करें हम लोग, इसका क्षेत्राधिकार कितना है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन वह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज किए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार का न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? मौलिक, संघ और राज्य के बीच के तथा विभिन्न राज्यों की आपसी विवादों का निपटारा करना, ये भी आपके जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका काम है। फिर आप देखते होंगे रिट, मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 32 के तहत। जब कोई आर्टिकल 32 के तहत व्यक्ति जाता है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तब आपका रिट जारी करता है 5 प्रकार की, कौन? सुप्रीम कोर्ट। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परामादेश, निषेध आदेश, उपेक्षण लेख और अधिकार प्रेक्षा जारी करने का अधिकार है। इन सब के बारे में हम लोगों ने आपका विस्तार से बात की हुई है, जब आपका देखा था हम लोगों ने अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार जो देखे थे, ठीक है, उसे आप लोग जरूर देख लीजिए। अपीली की बात करें, दीवानी फौजदारी फौजदारी तथा संविधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करता है। और विशेष अधिकार की बात करें तो भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लेख पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति भी है। सलाहकारी, जनहित के मामलों में तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। लेकिन याद रखिए, राष्ट्रपति के लिए इसकी सलाह मानना कोई आवश्यक नहीं होता है और ना ही इसे सलाह देना भी आवश्यक होता है, ठीक है, ज्यादा कुछ। एक बात और आपको बताऊं, कुछ मामलों में ये सलाह देना भी रहता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति पर कोई केस होता है तो वो उसकी जमानत अगर आपके निचली अदालतों से एक तरह से खत्म होती जाती है, वहां उसकी जमानत नहीं होती है, वो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में भी उसकी जमानत अगर रद्द कर दी जाती है तो आपने देखा होगा वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, इस प्रोसेस से गुजरता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर एक तरह से क्या करे, निर्णय सुना दे, तो आपने देखा होगा राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां हैं क्षमादान करने की, ठीक है। चलते हैं आगे आप लोग, मौलिक अधिकार, मौलिक क्षेत्र अधिकार। मौलिक क्षेत्र अधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। ऊपर के चित्र में आपने देखा है कि संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्र अधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक एम्पायर या निर्णायक की भूमिका देता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवाद का उठना स्वाभाविक भी है। इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट की होती है और इसे मौलिक क्षेत्र अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है और इनकी सुनवाई ना तो उच्च न्यायालय और ना ही अधीनस्थ न्यायालयों में हो सकती है। अपने इस अधिकार का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय ना केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है। हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आपका मौलिक क्षेत्र अधिकार, सुप्रीम का मौलिक क्षेत्र अधिकार क्या है, इस तरह का क्वेश्चन आपके 3 नंबर 6 नंबर में जो MPPSC में कई क्वेश्चन आते हैं ना, इस तरह आ सकता है, तो इन्हें आप लोग याद रखिए। अगर बात करें हम लोग रिट संबंधी क्षेत्र अधिकार, जैसा कि आपने मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में पढ़ा भी है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है, उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकता है। तो बताया ना कि आपको सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट आपका आर्टिकल 226 यानी कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या फिर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इन रिटों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है, ठीक है। अब बात करें अपीली क्षेत्र अधिकार की, तो सर्वोच्च न्यायालय अपील या का अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। मैंने आपको बताया ना कि एक तरह से आप जमानत को लेकर ले सकते हैं कि जब आपके हाईकोर्ट ने एक तरह से निर्णय गलत दिया, या आप देखेंगे आपको सजा मान लीजिए कि कुछ दे दी, माफ करिए इस तरह, भगवान ना करे आपको इस तरह का कुछ प्रकरण में गुजरना पड़े, लेकिन बता रहा हूं उदाहरण के लिए कि मान लीजिए मुझे ही ले लीजिए, चलिए आप लोगों को छोड़िए, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे उन्होंने सजा दे दी कि 2 साल की सजा है, तो मैं क्या करूंगा सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं, ठीक है, वहां इस निर्णय को बताऊंगा कि इस तरह की जो भी है। लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है, अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा हुआ है। अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे
तो उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा न दे, तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह उस मुकदमे की में की गई अपील को पुनर्विचार के लिए स्वीकार कर ले। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। यदि न्यायालय को लगता है कि यह कानून या संविधान का वह अर्थ नहीं है तो जो निचली अदालतों ने समझा है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसके निर्णय को बदल सकता है अथवा इसके साथ उन प्रावधानों की नई व्याख्या भी दे सकता है। उच्च न्यायालय को भी अपने नीचे की अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीली क्षेत्राधिकार है, यानी कि हाईकोर्ट के पास भी ये शक्ति है। इनको याद रखिए, हो सकता है कि 2-6 नंबर में पूछ ले आपसे, ठीक है। फिर आप देखते हैं सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। तो मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोक हित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, लेकिन ना तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बात है और ना ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने के लिए बात है। फिर सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श देने की शक्ति की क्या उपयोगिता है? तो इसकी दो मुख्य उपयोगिता है। कौन कौन सी? पहली, सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मसले पर कोई पर कार्रवाई करने से पहले वह अदालत की कानूनी राय जान ले, इसके बाद में कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। दूसरी, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है। तो इनको सलाह को भी आप लोगों को याद रखना है कि इनकी उपयोगिता क्या है। कई बार आपका इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। कई बार आपका इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अनुच्छेद 137, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या किसी दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति है। आर्टिकल 144, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से काम करते हैं। इन्हें भी आप लोग याद रखिए। क्या यह बात अपने आप में मजेदार नहीं लगती कि सलाह देने वाले की मर्जी पर उसको मानना या ना मानना सलाह सुनने वाले की मर्जी पर निर्भर है। मैं तो यही सोचकर चल रहा था कि अदालतों फैसला सुनाती हैं और जिन्हें सबको मानना होता है, तो कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन पर सलाह देना ही बेहतर रहता है। मान लीजिए पिताजी ने कोई काम कर रहे हैं, उस पर आप सलाह दे सकते हैं और वो उन पर निर्भर है कि वो सलाह माने या ना माने। आप जबरदस्ती तो नहीं ठोक सकते हैं, ठीक है, फिर चाहे वो किसी तरह का हो। पिछले पेज पर दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ें। ये अनुच्छेद हमें भारत के न्यायपालिका की एकीकृत प्रकृति और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को समझने में मदद करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं और उसके द्वारा दिए गए निर्णय संपूर्ण देश में लागू होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है और कभी भी उसका समीक्षा कर सकता है। और इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के मामले भी वे स्वयं ही देखते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही फैसले को बदलने की इजाजत क्यों दी गई है? क्या ऐसा यह मानकर किया गया है कि अदालत से भी चूक हो सकती है? क्या यह संभव है कि फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए जो खंडपीठ बैठी है उसमें वह न्यायाधीश भी शामिल हैं जो फैसला सुनाने वाले खंडपीठ में थे? तो ऐसा देखा जाता है। देखिए, हमेशा क्या होता है कि आपने देखा छोटी बेंच बनती है, पहले 3 की, फिर आप देखते हैं 5 की, फिर 13 की, इस तरह बनती जाती है, ठीक है। अब कहां पहुंचे आप लोग? निम्नलिखित 2 सूचियों को सम्मिलित कीजिए। बिहार और भारत सरकार के मध्य विवाद की सुनवाई कौन करेगा? ये आपका सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। हरियाणा के जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जाएगी? उच्च न्यायालय में आप कर सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। एकीकृत न्यायपालिका और किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करता है, एक तरह से ये भी सर्वोच्च न्यायालय के पास आपकी शक्ति दी गई है, ठीक है, तो याद रखिए। अगर इसमें हम लोग न्यायिक सक्रियता की बात करें, क्या आपने न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका के बारे में सुना होगा? ये काफी आप लोग सुनते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है वही याचिका लगा सकता है, आप भी लगा सकते हैं, ठीक है, किसी के तीसरे पक्ष के, दूसरे तीसरे पक्ष के बारे में। आजकल न्यायपालिका पर चर्चा इन शब्दों का अक्सर प्रयोग होता है। अनेक लोगों का मानना है कि इन दोनों ने न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक जनोन्मुखी बना दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अधिकतर अभी भी लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो अपने उन पर अगर कुछ अत्याचार भी हो रहे हैं तब भी वो लोग चुप बैठे रहते हैं। तो आजकल क्या होने लगा है कि आपने देखा किसी दूसरे पर अत्याचार हो रहा है, आप उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाते हैं, ठीक है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामान्य व्यवहार याचिका रही है। आखिर जनहित याचिका क्या है, कब और कैसे इसकी शुरुआत थी? तो कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। इसका मतलब है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या फिर किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।
1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया है। 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय में एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनके ओर से दूसरे ने दाखिल किया था, जो कि इस मामले में जनहित याचिका से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था, और ऐसे कि अन्य मुकदमों को जनहित याचिका का नाम दिया गया। और उसी समय सर्वोच्च न्यायालय में इन कैदियों के अधिकार से संबंधित मुकदमों पर भी विचार किया, और इससे ऐसे मुकदमों की बाढ़ सी आ गई जिसमें जनसेवा की भावना रखने वाली नागरिक और स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा और लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की है। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गई है। एक बात आप लोग सीधी सी समझिए कि 1979 के पहले क्या प्रक्रिया थी, कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तभी आप लोग अपने लिए एक तरह से न्याय पाने के लिए आप न्यायपालिका में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पड़ोसी में के साथ कुछ गलत हो रहा है, आप चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन 1979 के बाद ये प्रक्रिया पूरी तरह से बदलाव हो चुका है। 1979 में क्या हुआ कि ऐसे मामले भी अब आपके किसी आपके साथ ना सही, उसका प्रभाव आप पर पड़ रहा हो या ना पड़ रहा हो, लेकिन आप दूसरे व्यक्ति के की सुनवाई को लेकर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो भी अदालत के जो भी दरवाजे हैं उन्हें खटखटा सकते हैं किसी भी। देखिए, न्यायपालिका में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सभी न्यायालय आ जाते हैं आपके, ठीक है? तो याद रखना है आपको। पीएन भगवती का नाम आप लोग सुनते रहते हैं, उन्हीं के समय की बात है। किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उन पर विचार करना शुरू कर दिया है। इस तरह न्यायपालिका की नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई है। और याद रखिए, अब ये भी हो सकता है कि डाक या फिर आप लोग जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए किसी दलित के साथ भेदभाव हो रहा है और आप देख रहे हैं उसे, वो माफिया है, वो गुंडा है, तो आप अगर मालूम चल जाए कि आपने वो सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका या किसी कोर्ट में हाई कोर्ट या निचली अदालत में वो याचिका लगाई है, तो हो सकता है कि आपको भी वो नुकसान पहुंचा दे। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, या तो आप डाक टिकट का उपयोग कर सकते हैं या न्यूज़पेपर में कहीं आप लोग कॉलम छपवा दें। तो सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर भी एक तरह से इस पर सुनवाई कर सकता है, ठीक है? तो आपकी गुप्त जानकारी भी बनी रहेगी और आप सुरक्षित भी रहेंगे, और उस निर्णय का निर्णय हो जाएगा, जो भी न्याय रहेगा उसे न्याय मिल जाएगा। मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि जनहित याचिका का असली मतलब होता है कि निजी हित की याचिका, ऐसा क्यों भला? एक ऐसा नहीं है, अब आप लोग किसी और के लिए भी जाते हैं, लेकिन निजी हित की याचिका इसलिए कह दिया जाता है कि वो कहते हैं ना कि आजकल आप लोग कदम कदम पर अपना मतलब देखते हैं, तो होंगे ही ऐसे कई लोग होंगे जो दूसरे की बिना भेदभाव के दूसरे की मदद करते होंगे, लेकिन आजकल आप मंदिर में चढ़ावा भी चढ़ाते हैं तो क्या सोच के चढ़ाते हैं कि भगवान मुझे ये देना। अगर किसी के यहाँ आप लोग किसी दोस्त की मदद भी करते हैं तो उससे उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में हम उससे दुगने पैसे ले सकूं, तो यही बात की जा रही है। कुछ प्रारंभिक जनहित याचिकाओं की बात करें तो 1979 में समाचार पत्रों में विचाराधीन कैदियों के बारे में कुछ खबरें छपी। बिहार की जेलों में कैदियों को काफी लंबी अवधि से बंद बना रखा था जा रहा था, जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था यदि उसमें उन्हें सजा हो जाती तो भी वे उतनी लंबी अवधि के लिए कैद नहीं किए जा सकते थे। इस खबर को आधार बनाकर एक वकील ने एक याचिका दायर की और सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा चला। यह पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई और इस मुकदमे को हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से जाना जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिए, जब भी आंसर राइटिंग आप लोग कर रहे हो तो इस पॉइंट को भी आप लोग वहां डाल सकते हैं, इस मुकदमे को, ठीक है? जनहित याचिका के बारे में जब भी आप लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो इसे आप लोग डाल सकते हैं, काफी प्रभावकारी आंसर हो जाएगा। फिर आप देखिए 1980 में तिहाड़ जेल में एक बंदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्णा अय्यर को एक पत्र भेजा और इसमें बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं का वर्णन किया। न्यायाधीश ने उसे ही एक याचिका मान लिया और यज्ञ बाद में न्यायालय ने पत्रों को याचिकाओं के रूप में स्वीकार करने की प्रथा समाप्त कर दी। लेकिन यह मुकदमा सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 के नाम से शुरुआती जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुआ है, ठीक है? अब बात करते हैं जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया है। शुद्ध हवा पानी और अच्छा जीवन पाना पूरे समाज का अधिकार है। न्यायालय का मानना था कि समाज के सदस्यों के रूप में अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्तियों के इंसाफ की गुहार लगाने का भी अधिकार है। इसके अतिरिक्त 1980 के बाद जनहित याचिकाओं न्याय सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों को में भी रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सकते हैं।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय ने जनसेवा की भावना से भरे नागरिक सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से याचिकाएं दायर करने की इजाजत दी है। इससे आप देखेंगे काफी गरीबों को, जो दबे कुचले लोग हैं जिनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती थी, आजकल उनकी भी आवाज वहां तक पहुंच पा रही है। इसीलिए आप लोगों को एक बात बताते हैं, केशवानंद भारती आप लोगों ने किस सुना होगा। एक आप देखेंगे इसमें क्या हुआ था, एक बात हमेशा याद रखिए आप लोग, कि सुप्रीम कोर्ट इसमें निर्णय केशवानंद भारती केस हार चुके थे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि उनके निर्णय के आधार पर ये कह दिया गया कि सर्वोच्च आपका मतलब एक तरह से न्यायालय ही होगा, आपका सर्वोच्च सबसे ऊपरी क्या होगा, अदालत ही होगी, और सरकार एक तरह से अदालत नहीं होगी, और 13 सदस्यीय बेंच बैठी थी इसके लिए। एक बात हमेशा याद रखिए, अभी आपने देखा है केशवानंद भारती की डेथ भी हो चुकी है, तो ये काफी क्वेश्चंस बन भी सकता है आपका, तो आप लोग इसे जरूर याद रखिए, ठीक है, केशवानंद भारती बनाओ, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं आपके। यह बात जरूरी जरूरी याद रखना रखे रहे कि गरीबों की समस्या ऐसे लोगों लोगों की समस्याओं से गुणात्मक रूप से अलग है जिन पर अब तक अदालत का ध्यान रहा है। गरीबों के प्रति इंसाफ का अलग नजरिया अपनाने की जरूरत है। यदि हम गरीबों के मामलों में आंख मूंद कर इस इंसाफ की कोई प्रतिकूल प्रक्रिया अपनाते हैं तो भी कभी भी अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप जानते हैं न्यायालय किस पर चलता है, एक तरह से न्यायालय चलता है आपका साक्ष्यों पर, और मुश्किल से इनके पास साक्ष्य उपलब्ध हो पाते हैं। न्यायमूर्ति जो भगवती है इन्हीं के समय की बात है, जो जनहित याचिका की, ठीक है। और एक बात और आपको बता दूं यार, अगर आर्टिकल ही आपको रटना है, और आर्टिकल या संविधान संशोधन या कोई आपको इस तरह के प्रावधान ही तथ्य ही रटना है, तो मुझे लगता है आप वनडे एग्जाम की तैयारी करिए। देखिए एनसीईआरटी आपका बेस मजबूत करेगी, और आर्टिकल के बारे में आप लोग जब स्पेशल कोई बुक्स पढ़ेंगे जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गया, तो वहां आपको बड़े विस्तार से बताया जाएगा किस आर्टिकल में क्या लिखा है, कहाँ क्या लिखा हुआ है, तो आप लोग टेंशन मत लिया करिएगा। ये तो आपका बेस, यानी कि आपकी जो एक तरह से वो नींव देखी है ना, अपने मकान खड़ी करते हैं तो वो नींव भरी जा रही है, पर ऊपर मकान पर क्या, कौन से छत बनाने हैं, कितने कमरे बनाना है, ये आपके कमरे कहाँ से बनेंगी, एम लक्ष्मीकांत बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत बढ़िया बुक, टाइम मिला अगर तो उसे भी हम लोग कवर कर देंगे, ठीक है। न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा है, इसने न केवल व्यक्तियों बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिला है, और इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया, और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बात हुई, चुनाव प्रणाली को भी इसने ज्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास भी किया है। अदालत न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति आर और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश भी दिया है, जिससे लोगों को सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके। फिर भी आप देखते हैं कि आप इसके प्रति जागरूक ही नहीं रहते हैं। आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ने या न्यायालय ने यह व्यवस्था कर दी कि आपके क्षेत्र में जो चुनाव लड़ रहा है उस पर कितने मुकदमे हैं, उसकी संपत्ति कितनी है, वो क्या है, उसकी पूरी जिंदगी का बायोडाटा एक तरह से आपके सामने रख दिया है। अब आपको निर्णय करना है कि वो सही है या गलत है, आपको उसके चुनना चाहिए या नहीं चुनना चाहिए। तो ये अलग बात है कि हमारी अभी आप देखेंगे लोकसभा हो, राज्यसभा या विधानसभा हो, विधान परिषद हो, या अधिकतर नेताओं को देखते हैं कि वो हत्यारे मिलेंगे आपको, उन पर हत्या का केस चल रहा होगा, वो बलात्कारी मिलेंगे, वो डकैत मिलेंगे, तो इसमें आप सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, संविधान क्या कर सकता है, जब आप लोग उन्हें चुन रहे हैं, जब आप हत्यारे को चुनेंगे, बलात्कारी को चुनेंगे आप लोग, तो आप उम्मीद क्या कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में उम्मीद ही मत रखिए, आप अपनी जिंदगी को बदलने की उम्मीद छोड़ दीजिए। आप लोग अगर इस तरह की नेता को चुनते हैं तो वही करेगा। दिल्ली में आप देख सकते हैं, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, यहां हकीकत बता रहा हूं। देखिए किसी व्यक्ति की क्या जरूरत होती है, मैं जरूरत क्या है, फिर चाहे वो अमीर है गरीब है इससे कोई मतलब नहीं रहता है। उसके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, और रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। इन तीनों चीजों पर हर व्यक्ति टिका रहता है, और एक तरह से आप कहिए कि हर व्यक्ति की यही आधारभूत आवश्यकताएं हैं। उसके बच्चे को VIP स्कूल मिल जाए, अच्छी से व्यवस्था हो जाए पढ़ने लिखने की, और आगे चल के उसका बच्चा जब निकलता है तो उसे रोजगार मिले, और उसकी अगर कभी स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ती है घर परिवार की तो उसे स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। और दिल्ली सरकार ने काफी इस पर ख्याल भी रखा है और ध्यान भी दिया है, आप समझ रहे हैं, तो मैं इसलिए दिल्ली सरकार की तारीफ कर देता हूँ। वहीं आप बिहार चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए आप लोग, या फिर किसी दूसरी पार्टी की सत्ता हो वहां भी चले जाइए आप लोग,
तो आप देखेंगे सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, सरकारी हॉस्पिटल की क्या हालत है। लोग अपने बच्चे पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं वहां पढ़ के क्या उखाड़ेगा उनका बच्चा, या लोग अपना इलाज करवाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं, यही सोचते हैं कि वहां मरने से अच्छा है कि घर में मरना पसंद करते हैं लोग। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, और किसी देश को अगर आपको शक्तिशाली बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो आप समझिए इन तीनों, एक तरह से आपको ध्यान देना होगा तीनों व्यवस्थाओं पर। ठीक है, जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या और सक्रिय न्यायपालिका के विचार का एक नकारात्मक पहलू भी है। इसने न्यायपालिका में कामों का बोझ बढ़ा दिया है। दूसरे, न्यायिक सक्रियता से विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर धुंधला हो गया है। न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया है जिसे कार्यपालिका को हल करना चाहिए। एक बात और याद रखिए आप लोग, जब बड़े बड़े काम होते हैं तो कहते हैं ना कि छोटे छोटे समस्याएं आती रहती हैं। आप अगर अब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको एक आध बार कुछ हार का मुंह देखना पड़े, हो सकता है। देखिए मैं कहता हूं भगवान ना हो ऐसा, लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा। तो बड़े बड़े कामों में इतना छोटा होता रहता है, आप समझ रहे हैं। अब एक झोपड़ी बनानी है आपको, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगी, कहीं भी आप लोग झोपड़ी तान दीजिए। और वहीं आपको एक महल बनाना है, तब तो आपको प्रॉब्लम आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फर्क है ना दोनों कामों में कि नहीं है फर्क? तो ये अच्छी बात है। आप समझते हैं कि 1947 में भले ही आजादी मिल चुकी थी, आजादी देखिए कुछ लोगों के हाथों में आई हुई थी। 1947 से मिलना आजादी शुरू हुई थी, 1947 के बाद से महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए थी, दलित पिछड़े जो भी रहते थे, जिनकी एक तरह से बहन जो भी स्ट्रीम थी उससे छूटे हुए थे मुख्य धारा से, लेकिन आपने देखा है कि उनका अच्छे से वितरण नहीं हो पाया है, इसीलिए आज भी आप लोग देखते हैं महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, दलित ST ST के साथ भेदभाव किया जाता है। केरल का आप लोगों ने सबरीमाला मंदिर का विवाद सुना होगा। आप इतना विचार सोचिए कि एक महिला ने, उस पुजारी वहां जो बैठा हुआ है, इन नियमों को गढ़ रहा है, अवधारणाओं को गढ़ रहा है, उसे जन्म दिया, वो शुद्ध है, और एक महिला जिसने उसे जन्म दिया, इस धरती पर लाई, वो अछूत हो गई। ये कहाँ का न्याय है? फिर आपने देखा है अदालत ने उसमें हस्तक्षेप किया और सही निर्णय दिया। तो ये अच्छी बात है कि लोकतंत्र को, आपके अधिकारों को, आपको स्वतंत्रता देने में सुप्रीम कोर्ट या आपकी और अदालतों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अगर ये ना होती तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होता। उदाहरण के लिए, वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना, या फिर चुनाव सुधार करना, वास्तव में न्यायपालिका का काम नहीं है। ये सभी कार्य विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करना चाहिए। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि न्यायिक सक्रियता से सरकार की तीनों अंगों के बीच परस्पर संतुलन रखना बहुत मुश्किल हो गया है। लोकतांत्रिक शासन का आधार यह है कि सरकार का हर अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। न्यायिक सक्रियता से इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुंच सकता है। मान लीजिए ऐसा ना हो, फिर भी बता रहा हूं, जब आप, आपके घर में कोई बहू आए, मान लीजिए आपकी बीबी आई, वो थोड़ी नए जमाने की रही, वो साफ सफाई ना करे घर में, तो माँ जी को तो करनी ही पड़ेगी, आपकी माँ को तो करनी ही पड़ेगी। या फिर बेटा नालायक निकले और बेटा कुछ काम घर का ना करे, तो बाप बूढ़ा हो या कुछ हो, बाप का वो काम हो या ना हो, लेकिन बाप तो करता है ना। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि नेताओं की निकम्मा, जो निकम्मनपन है उनमें, आप देखते हैं कि क्या कहते हैं, एक बार चुनाव जीते उसके बाद दोबारा चुनाव क्षेत्र में जाके कहते हैं कि मैं बिजली दूंगा, मैं पानी दूंगा, मैं शिक्षा दूंगा, मैं स्वास्थ्य की व्यवस्था करवाऊंगा, मैं ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। आप समझिए, वो अपने निकम्मेपन का एक तरह से सबूत दे रहे हैं। आपने 5 साल पहले क्यों नहीं कर दिया? आप समझ सकते हैं कि उन, जब से हमें आजादी मिली एक तरह से 1947 से, उसके बाद से ही कहा जा रहा है कि गरीबी हटाओ, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी करेंगे, बिजली, सड़क, जो भी व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या अभी तक नहीं हो पाया? बिहार का चुनाव हुआ है कुछ समय पहले, फिर भी आप लोगों ने वही कहानी सुनी है दोबारा। अरे भाई, इतने सालों से क्यों नहीं हो पा रहा है? तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपके बस की बात नहीं है, इसलिए आप नहीं कर पा रहे। तो ये अपने निकम्मेपन का सबूत देते हैं आपके सामने कि मेरी औकात नहीं है आपकी सुधार करने की आप लोगों को। और ये न्याय, ये सड़क बिजली बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर आप चाइना से तुलना कर रहे हैं तो चाइना के जिस रफ्तार से चल रहा है वो, उस रफ्तार से आपको चलना होगा। आप पाकिस्तान से तुलना करनी है अगर आपको, तो सही है, आप करते रहिए। हमेशा याद रखिए, जब भी चुनाव का मुद्दा अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार रहेगा, देश हमेशा तरक्की करेगा।
देश हमेशा बढ़ता जाएगा। और जब भी आप समझिए धर्म जाति चुनाव में सम्मिलित हो गई, चुनाव का मुद्दा बन गई, उस दिन आप सोचिए कि देश आगे बढ़ने की बजाय कई कदम पीछे हट चुका होगा। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को भी आप लोग देखिए। आप एक न्यायाधीश हैं, नागरिकों का एक समूह जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय जाकर प्रार्थना करता है कि वह शहर की न्यायपालिका के अधिकारियों को झुग्गी झोपड़ियों हटाने और शहर को सुंदर बनाने का काम करने के आदेश दे ताकि शहर में पूंजी निवेश करने वालों को आकर्षित किया जा सके। उनका तर्क है कि ऐसा करने जनहित में, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वालों का पक्ष है कि ऐसा करने पर उनके जीवन के अधिकार का हनन होगा। उनका तर्क ही जनहित के लिए साफ सुथरे शहर के अधिकार से ज्यादा जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि आप एक न्यायाधीश हैं, आप एक निर्णय लिखें और तय करें कि जनहित याचिका में जनहित का मुद्दा है या नहीं है। एक बात और याद आपको बताऊं, इस तरह के क्वेश्चन आपके आप देखते होंगे इंटरव्यू में भी पूछ लेता है। आपका पेपर 4 है ना, तो उसमें भी आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए आप लोगों एक बात और याद रख सकती है, आप लोग ना तो एक तरह से भावनाओं में बहकर कोई निर्णय दे सकते हैं और ना ही आप लोग पूरी तरह से अनदेखा कर सकते हैं। आप लोग बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। आपने देखा अभी किसान आंदोलन चल रहा है, हाईकोर्ट या आपके न्यायालय में याचिकाएं दायर की गई हैं कि आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी आपने देखा है कि न्यायालय ने बीच का रास्ता चुना है। न्यायालय ने कहा है कि इस पर एक समिति बनाएंगे और इसमें किसानों से भी बातचीत करेंगे, सरकार से भी बातचीत करेंगे। अगर डायरेक्ट न्यायालय कह देता कि किसानों हटो, तो आप समझिए उस किसानों के मन में क्या रहता, भरोसा उठ जाता सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट जो भी न्यायालय है ये निर्णय देता। तो यहाँ आप लोग बीच का रास्ता चुन सकते हैं कि उनकी व्यवस्था दूसरी जगह करवा सकते हैं, जैसे आप समझिए जो लोग बिल्कुल उसमें रह रहे हैं। इस समय समय पर कई जगह होता भी रहता है। मुझे लगता है सरकार को इसमें काम करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी दिल्ली में आप देखते हैं, मुंबई में देखते हैं आप लोग, या अपने शहर में आप लोग देखते होंगे कि झुग्गी झोपड़ियां बनी रहती हैं, उन्हें हटाने की प्रोसेस चालू हो गई है। अब देखिए उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास कोई घर नहीं है, वो अपना जैसे तैसे जीवन गुजारा कर रहे हैं, वो भी हमारे ही देश के नागरिक हैं। तो आप उनके लिए एक काम कर सकते हैं, उनके लिए दूसरी जगह ये व्यवस्था कर दीजिए, वहां सुविधाएं उपलब्ध करवा दीजिए, बेहतर रहेगा। इसमें मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को के पास आने की उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब आप सरकारें ये काम नहीं करती हैं तब लोग सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं, हाईकोर्ट के पास आते हैं या निचली अदालतों के पास आते हैं। तो मैंने देखा है अधिकतर मामलों में आप देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट बीच का रास्ता हमेशा चुनता है, या जो भी न्यायालय होता है वो बीच का रास्ता चुनती है, ऐसा नहीं करती है कि एक तरफ से बिल्कुल अनदेखा कर दे। ठीक है, और आपको भी यही करना है कि आपको भी बड़ा सभी तरफ देखना है। न्यायपालिका और अधिकारी की बात करें तो हम पहले भी ही देख चुके हैं, न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व भी सौंपा गया है। संविधान ऐसी 2 विधियों का वर्णन करता है जिसके सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सके। एक बात और आप सोचिए, आपको संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार मिल चुके हैं, आपको अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 32 ना होता, आपके पास ये सुरक्षा ना होती, आर्टिकल 226 ना होता, तो क्या आपके अधिकारों का कोई मतलब था? कोई मायने नहीं रखता मुझे लगता है। पहला कौन सा है, यह अनेक रेट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण परामादेश आदि जारी करने वाले मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। यह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। उच्च न्यायालयों को भी ऐसी रेट जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 226 के तहत। दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है, यह अनुच्छेद 13 के तहत कहा गया है। मान लीजिए कि कोई ऐसा कोई कानून बनता है जो आम लोगों के लिए नहीं है या आम लोगों के हित में नहीं है, तो तब क्या कर सकता है कि उसे या मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे जीरो कर सकता है, यानी कि जो भी उसमें क्षमता है उसे जीरो यानी कि खत्म कर सकता है, असंवैधानिक कर सकता है। असंवैधानिक करने का मतलब यही है, या गैर संवैधानिक कहने का मतलब यह है कि संविधान के हिसाब से सही नहीं है। इसमें इस आर्टिकल को जरूर आप लोग याद रखिए, 13 कई बार आर्टिकल आपका 13 भी पूछ लेता है, आर्टिकल 226 भी कई बार आपका वनडे एग्जाम में भी पूछ लेता है, 32 आर्टिकल भी कई बार आपका केस में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछ लेता है। आप जानते हैं भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को। ठीक है, याद रखिए ये दोनों प्रावधान, एक ओर सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक और दूसरी ओर संविधान के व्याख्याकार के रूप में स्थापित करते हैं। उपयुक्त प्रावधान में दूसरा प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। आप लोगों ये नहीं देखते होंगे संविधान की कोई व्याख्या करना है, कहीं कोई बात बतानी है तो इस पर सरकार कह दे कि हाँ ये संविधान की व्याख्या है। आप देखते होंगे हमेशा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आते रहते हैं
वही नई 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 व्याख्याएं देता रहता है। सर्वोच्च न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संभवतः न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकता है, जांच सकता है, और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस पॉइंट को जरूर याद रखिए कि आपका जो संविधान है इसमें न्यायिक पुनरावलोकन का शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। आप देखते हैं समय समय पर सरकारें बड़ी मतलबी होती हैं, तो इन्हें अपनी मनमानी को रोकने के लिए, इनके मनमानी को इस तरह की व्यवस्था करता रहता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन भारत में संविधान लिखित है और इसमें दर्ज और मूल अधिकारों के विपरीत होने वाले सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है। इन तथ्यों के कारण भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग ना होने पर यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसमें एक और याद रखिए, एक बात याद रखिए कि अभी आपने देखा है तीनों कृषि कानून आए हुए हैं, कई लोग इसमें कह रहे हैं कि वो जैसे ही न्यायालय में जाएंगे तीनों कानून रद्द हो जाएंगे। देखिए ये आने वाला समय बताएगा कि इस पर हम लोग वाद विवाद नहीं करते हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले भी आपसे बात कर चुका हूं कि इसमें कई फायदे हैं और कई नुकसान भी हैं आपके, ठीक है? किसानों के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, तो मुझे लगता है सरकार को बीच का रास्ता चुनना ही चाहिए और किसान को भी बीच का रास्ता चुनना चाहिए और व्यवस्था होनी चाहिए। किसानों की बात मुझे एक और अच्छी लगी, एमएसपी की बात जो उन्होंने कही वो मुझे बड़ी पसंद आई। किस तरह से, आप समझते हैं कि अभी बिचौलिया या व्यापारी या सरकारी मंडी में उनके फसल के दाम अच्छे नहीं मिल पाते हैं और सरकारी मंडियों का सहारा कुछ ही % किसान ले पाते हैं एमएसपी का सहारा। तो इस तरह का कानून आना चाहिए कि 10 रुपये अगर रेट फिक्स किया हुआ है सरकार ने, तो आप समझे कि व्यापारी हो फिर चाहे सरकारी मंडी हो 10 रुपये में ही खरीदेगी। ऐसा नहीं कि व्यापारी जो आ रहे हैं, बिचौलिए जो आ रहे हैं, सेठ जो आ रहे हैं, ये आपका 5 रुपये में वो फसल 5 रुपये किलो खरीदे, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और देश का अन्नदाता कहते हैं आप लोग, समझ रहे हैं? एक तरफ आप देखते हैं किसानों के ही बच्चे सबसे ज्यादा आपको आपकी सीमा पर आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं और एक तरफ वो देश की सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं। आपको खाद्यान्न, आपके थाली में जो भी रोटी आती है उन्हीं की कृपा है, समझ रहे हैं आप लोग, वरना आपका कोई अस्तित्व ना होता। इसके अलावा हमने सर्वोच्च न्यायालय के अच्छे अधिकार का अध्ययन करते समय देखा है कि संघीय संबंधों के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसा करके वह किसी भी कानून को संविधान में निहित शक्ति के बंटवारे की योजना योजना के विरुद्ध होने से रोकता है। मान लीजिए कि केंद्र सरकार कोई कानून बनाए और कुछ राज्यों को ऐसा लगे कि इन कानून का विषय तो राजसूची में है, तब भी सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और यदि न्यायालय उनसे सहमत हो तो वह उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। मुझे लगता है कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आपकी 3 सूचियां हैं, एक आप जानते हैं संघ सूची, एक आपकी राज्य सूची, एक संवर्ती सूची। संघ सूची पर आप सभी को मालूम होगा कि केंद्र सरकार कानून बनाती है, सेंट्रल कानून बनाती है, और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है। संवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं, अगर दोनों में टकराव रहता है तो केंद्र सरकार का कानून प्रभावी रहता है उसमें, ठीक है? और इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक और पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा ऐसे भी कानून का परीक्षण कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या फिर संविधान में शक्ति विभाजन योजना के प्रतिकूल हो। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर भी लागू होती है, ठीक है? रिट जारी करने की और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को अत्यंत शक्तिशाली बना देती हैं। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मतलब यह हुआ कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानून की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। अनेक लोगों का मानना है कि इसके द्वारा न्यायपालिका प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करती है और न्यायांगरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी भी की हुई है। क्या की हुई है? आपकी बढ़ोतरी भी की हुई है। यहाँ भी कुछ पॉइंट है, ऐसे भी देख लीजिए कार्टून को। मेरा ख्याल है कि मैं न्यायाधीश ही बनूं तो अच्छा है, फिर मुझे चुनाव और जन समर्थन की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तब भी मेरे पास बहुत सी शक्तियां रहेंगी। तो इसके लिए तो आप लोगों को अगर ऐसा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो कानून की पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, समझ रहे हैं आपको? देखिए 1972 का जो केशवानंद भारती केस था, इसने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया। भली उस केस में वो केशवानंद साहब हार चुके हों लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया। आप जानते हैं कि उसमें उन्होंने 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच बैठी, उन्होंने उन्होंने स्पष्ट कर दिया उस बेंच ने कि भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है।
यानी कि कहने का मतलब है कि आप समझिए, जो संसद है वो क्या है, सर्वोच्च नहीं है। आपका क्या है, जो संविधान और सर्वोच्च न्यायालय, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, कई लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि विषम संख्या क्यों ली जाती है। जो भी बेंच गठन होता है उसमें आपने देखा होगा 3, 5, 7, 9, 13, इस तरह क्यों ली जाती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 क्यों नहीं ली जाती है। तो आप समझिए, जैसे मान लीजिए 13 जो केशवानंद भारती केस में है, इसकी जगह अगर 12 होते, और मान लीजिए कि 6-6 से दोनों बराबर होते, तब निर्णय क्या निकलता? तब तो जो जिस पर फैसला देना है उसका कुछ मतलब ही ना रहता, कि 6 उसके पक्ष में है, 6 उसके विपक्ष में है। इसीलिए आपका विषम संख्या चुनी जाती है कि या तो 7 उसके पक्ष में होंगे या 7 उसके विपक्ष में होंगे, और जिसमें उसका बहुमत होगा उस तरह का निर्णय पास होगा। तो इस तरह की व्यवस्था रखी गई है। ठीक है, याद रखिए। क्या आप जानते हैं कि और भी अनेक देशों में जनहित याचिकाएं धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही हैं? विश्व के अनेक न्यायालयों खासतौर से दक्षिण एशिया और अफ्रीका में भारत की ही भांति न्यायिक सक्रियता का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जनहित याचिका को मौलिक अधिकारों की सूची में सम्मिलित किया गया है, और इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में अब नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि वह संवैधानिक न्यायालय के सामने व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन का मामला उठा सके। क्योंकि आप जानती हैं कि कम लोग इसमें, इस क्षेत्र में आपको पढ़े लिखे जागरूक लोग कम मिलेंगे, इसलिए इस तरह की व्यवस्था की गई है। और सबसे ज्यादा शोषण इन्हीं एशिया और अफ्रीका के लोगों का हुआ है, सालों, देखते हैं आप लोग, सालों होता रहा इनका। अभी जानते हैं 1947 के बाद ही सभी देशों को आजादी मिलनी शुरू हुई। क्या आपको याद है कि अधिकार से संबंधित अध्याय में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया था, और यह अधिकार बंधुआ मजदूरी, लोगों की खरीद फरोख्त और खतरनाक कामों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि जिन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन होता है वे अदालत के दरवाजा कैसे खटखटाए? जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता से न्यायालयों के लिए संभव हो पाया है कि ऐसे उल्लंघनों के मामले पर विचार कर सकें, और इससे न्यायालय ने अनेक मुद्दों पर विचार किया, जैसे जेल के अंदर पुलिस द्वारा कैदियों की आंखें फोड़ना, पत्थर के खदानों में काम करने की अमानवीय दशा, बच्चों का यौन शोषण। इस प्रवृत्ति में ने गरीब और पिछड़े वर्गों के लोगों के अधिकारों को अर्थपूर्ण बना दिया है। आप जानते हैं कि आपका जो शोषण का अधिकार है, जिसमें आप 23 और 24 आपका आर्टिकल संबंधित है। एक बात आप लोग समझ लीजिए, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं, एक गरीब है, मान लीजिए कि STST है, वहां उसकी जमीन को किसी ने हड़प लिया है, तो उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि उस व्यक्ति से लड़ सके और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सहारा ले सके, उसके पास इतनी आर्थिक स्थिति भी उसकी खराब है, तब यह या जनहित याचिका ही काम आती है एक तरह से उसको न्याय दिलाने के लिए। या मान लीजिए कहीं आप समझते हैं कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता रहता है, कई जगह आप देखते हैं कि लड़कियों के साथ इस तरह के घटनाएं होती रहती हैं, तो उनके अधिकतर मामलों में आप देखते हैं बलात्कार के मामलों में उनके सगे संबंधी ही होते हैं, और परिवार उस बात को दबा देता है कि बदनामी होगी, ये होगी, वो होगी। इसीलिए देखते हैं आप लोग कि FIR ना एक तरह से ना के बराबर होती है। इस मामले में आप देखते होंगे कि किसी तीसरे पक्ष को मालूम चला या दूसरे को मालूम चला, उसने जाकर जनहित याचिका लगाई, और तब जाकर उस बच्ची को या उस लड़की को या किसी भी व्यक्ति को इंसाफ मिला। तो ये क्या कह सकते हैं आप लोग कि ये तो अच्छा काम है, जनहित याचिका का ये बहुत ही अच्छा एक तरह से काम है। ठीक है, अब आप कहां पहुंचे, न्यायालय न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्रयोग कब करता है, न्यायिक पुनर्वलोकन और रिट में क्या फर्क है, तो इसे भी आप लोगों जान चुके हैं। अब बात करते हैं न्यायपालिका और संसद के बारे में। न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई ही है, राजनीतिक व्यवहार वर्ताओं से संविधान को ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाया है। इसी कारण जो विषय पहले न्यायिक पुनर्वलोकन के दायरे में नहीं थे, उन्हें भी अब इस दायरे में ले आया, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां भी। देखिए सीधा सा मतलब आप लोग, मुझे लगता है कि रिट, आप जानते हैं कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तब कह सकता है, एक तरह से आदेश दे सकता है, रिट को आप लोग आदेश समझिए। ठीक है, न्यायालय और न्यायिक पुनर्वलोकन का मतलब है कि कोई काम हुआ उसे उस पर पुनर्वलोकन करेगी, वो सही है या गलत है। और संसद में आप जानते हैं कि राष्ट्रपति होते हैं, आपके राज्यसभा, लोकसभा, ये सभी तीनों मिलकर उसका गठन करते हैं। ऐसे और भी अनेक उदाहरण है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिए हैं।
जैसे उसने हवाले हवाला मामले, नरसिंह राव मामले, पेट्रोल पंपों के अवैध आवंटन जैसे अनेक मामलों में सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश दिया है वह भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करे। आपने इनमें से कुछ के बारे में सुना होगा, इनमें से कई उदाहरण न्यायिक सक्रियता के परिणाम है। भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे अवरोध और तथा संतुलन के एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है, कार्यपालिका उन्हें लागू करने और न्यायपालिका विवादों को सुलझाने के लिए सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है। क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल हैं? यह इस स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता हमेशा रही है और बनी रहेगी। एक तरह से आप सोचिए, विधि मंत्र विधायिका क्या करती है, उस कानून को बनाती है। कार्यपालिका क्या कहती है, कार्यपालिका उसे लागू करवाने का काम करती है। और न्यायपालिका क्या करती है, उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो उसको उसमें एक तरह से जिसके लिए कानून बनाया गया उसे सुरक्षा देने का काम करती है। ठीक है, याद रखिए। हमने संपत्ति के अधिकार और संसद की संविधान की संशोधित करने की शक्ति के संबंध में संसद और न्यायपालिका के बीच हुए टकराव का पीछे उल्लेख भी किया है। आइए इसे एक बार फिर दोहरा लें। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि आपका जो संपत्ति का अधिकार था ये आपका पहले मौलिक अधिकारों में था। क्या था? मौलिक अधिकारों में था इसका प्रावधान। आर्टिकल 31 सुनते हैं ना, और आप 44वां संविधान संशोधन 1978 भी सुनते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे यहां से हटा दिया गया था, मौलिक संविधान मौलिक अधिकार से हटा दिया था और कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो तब भी कई लोग आपका इस तरह का जब कानून आया तब कई लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट गए, न्यायालय में गए, हाईकोर्ट सब जगह गए। तब क्या हुआ, संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया। संसद संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी जिससे भूमि सुधारों को लागू किया जा सके। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है। संसद ने तब संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान के संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है। संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद के केंद्र में निम्नलिखित मुद्दे भी थे, निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा, मौलिक अधिकारों को सीमित प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा और संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा। क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर दें? एक बात और याद रखिए आप लोग, जब संपत्ति के अधिकार की बात आती थी और तब कोई अगर सरकार कुछ कर रही है, अगर सरकार जब्त भी कर रही है संपत्ति, तो हर कोई क्या करता था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चला जाता था कि साहब हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। तो सरकार बड़ी परेशान थी उस समय, तो सरकार ने एक संशोधन ही कर दिया, 44वां संविधान संशोधन। उसने कह दिया कि लीजिए जाइए, अब आप सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तो नहीं ले सकते हैं, हाँ कानूनी सहायता आप लोग लीजिए, कानूनी अधिकार है, लेकिन आप मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो इसी को समाधान करने के लिए एक तरह से हटा दिया गया था। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। जहां न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की जरूरत पर कोई दो राय नहीं हो सकती है, वहीं हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को भी याद रखना जरूरी है। स्वतंत्रता के सिद्धांत को उस स्तर तक नहीं ले जाया जाना चाहिए जहां वह आस्था का स्थान ले ले, अन्यथा न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के काम भी अपने हाथ में लेने वाली एक अतिवादी संस्था की तरह काम करने लगेगी। न्यायपालिका का काम संविधान की व्याख्या करना या फिर अधिकारों के बारे में चल रहे विवादों को हल करना है, ये अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था। ठीक है, ये 23 नवंबर 1949 की घटना है, आप जानते हैं संविधान सभा के बाद विवाद की घटना है। ठीक है, इसे भी याद रखें। 1967 से 1973 के बीच यह विवाद काफी गहरा भी रहा है कि भूमि सुधार कानूनों के अतिरिक्त निवारक नजरबंदी कानून, नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी नियम और अधिग्रहित निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी कानून आदि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिन पर आपका विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद हुए हैं। और आप लोग अभी भी देखते होंगे निवारक नजरबंदी कानून पर, तो अभी अफस्पा जिसे बोलते हैं आप लोग, इस पर तो अभी भी विवाद चलता रहता है। ठीक है, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जो संसद और न्यायपालिका के संबंधों के नियमन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। यह केशवानंद भारती मुकदमे की रूप में प्रसिद्ध है। इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। न्यायालय ने दो और काम किए। संपत्ति के अधिकार के विवादित मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप समझिए,
कि कोई कहीं आप लोगों को परियोजना चलानी है, अगर आपका मौलिक अधिकार में अगर संपत्ति का अधिकार जुड़ा होता अभी भी, मुझे लगता है सरकार बहुत परेशान होती। और इसमें आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा रास्ता अच्छा चुना कि जो केशवानंद भारती केस हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जो ये है आपका संपत्ति है, जो भी अपने निर्णय है, जो भी इसमें क्या होगा कि मूल ढांचा का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण भी रहा है कि न्यायालय भी जानता है कि इस तरह के मामले जरूरी है कि इसमें हटा देना चाहिए, वरना आप सोचिए न्यायालय इसी इसी पर वाद विवाद खड़ा होता रहता है। आपके यहाँ से कोई ट्रेन गुजर रही, ट्रेन की लाइन गुजरनी है, आप जाकर 10, 20, 50 लोग क्या करिए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए या हाई कोर्ट पहुंच गए, आप समझिए इसी में बेकार काम, बेकार टाइम जाता। तो उन्होंने कह दिया कि संपत्ति का अधिकार नहीं है, आप कानूनी सहायता लेते रहिए, कानून के जरिए आप लोग करते रहिए। इसीलिए आप सरकार भी देखती है, सरकार आपने देखा होगा कि कोई भी परियोजना चलती है तो उसका मुआवजा जरूर देती है आपको, ठीक है। अब वो कितना होता है, सही होता है, गलत होता है, मुझे लगता है कि आप लोग जानते होंगे। और इस निर्णय ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवादों की प्रकृति भी बदल दी। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 1979 में हटा दिया गया, और इसने शासन के दो अंगों के बीच संबंधों की प्रकृति बदल दी है। फिर भी इन दोनों के बीच विवाद के कुछ बिंदु बचे हैं, जैसे कि न्यायपालिका विधायिका की कार्यवाही का नियमन और उसमें हस्तक्षेप कर उसे नियंत्रित कर सकती है, संसदीय व्यवस्था में संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति भी है, संसदीय व्यवस्था में विधायिका को विशेष अधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार भी है। जो व्यक्ति विधायिका के विशेष अधिकार हनन का दोषी हो, क्या वह न्यायालय की शरण ले सकता है? सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध स्वयं सदन द्वारा यदि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो क्या वह सदस्य न्यायपालिका से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है? ये मुद्दे अभी भी सुलझ नहीं पाए हैं और दोनों के बीच विवाद का विषय बन रहे हैं। इसी प्रकार संविधान यह व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती है, लेकिन अनेक अवसरों पर संसद और राज्यों की विधानसभाओं में न्यायपालिका के आचरण पर अंगुली उठाई गई है। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी अनेक अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है, उन्हें उनके विधायी कार्यों के संबंध में निर्देश भी दिए। विधायिका उसे इसे संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में देखती है। आप लोगों ने अभी राजस्थान का मामला जरूर देखा होगा, आपने देखा होगा कि सचिन पायलट पर किस तरह से कार्रवाई की गई थी, फिर सचिन पायलट साहब एक तरह से न्यायालय में गए, फिर आपने देखा न्यायालय ने हस्तक्षेप किया उसमें, समझ रहे हैं आप लोग? तो अभी भी विवाद खड़ा हुआ है। अदालत हमें एक बार साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि आखिर संविधान के बेपहलू क्या है जिन्हें मूल ढांचा कहा जा सकता है, इनकी व्याख्या कर पाना बड़ा मुश्किल है और इस पर वाद विवाद हमेशा छुड़ा रहता है। इस मुद्दे से यह स्पष्ट है कि सरकार के किन्हीं दो अंगों के बीच संतुलन कितना संवेदनशील है और लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बरतना कितना जरूरी है। और आप समझिए इसीलिए आपका केशवानंद भारती बनाम केस में फैसला दिया गया, किस लिए दिया गया कि संसद सर्वोच्च नहीं है, आपका सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय सर्वोच्च है। यानी कि कहने का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय का या न्यायपालिका का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, संसद का निर्माण यानी कि एक तरह से स्थान बहुत नीचे है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यही मानकर कहा गया होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ऐसा नहीं कि कोई गलत फैसला दे सकती है, लेकिन आपकी संसद में बैठे सदस्य जरूर एक तरह से कई गलत काम कर सकते हैं, ठीक। अब आप कहां पहुंचे, न्यायपालिका और संसद के बीच टकराव के मुद्दे रहे, न्यायाधीशों की नियुक्ति पर भी आप देखते रहते, न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, संसद के द्वारा संविधान संशोधन का दायरा, संसद द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप। एक बात और आपको बताऊं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति अच्छा है कि आप समझिए कि एक तरह से अलग व्यवस्था की गई है। मान लीजिए, चलिए मानता हूं कि कम टकराव होता है, कई बार आपको हस्तक्षेप देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सावधानी बरती गई है। इसी तरह उनके वेतन भत्ते में भी बहुत कुछ सावधानी बरती गई है। आप समझिए अगर संसद के पास एक तरह से इस तरह की शक्ति होती कि उसके वेतन और भत्ते संसद निर्धारण करेगी, तो आप समझिए संसद क्या करती, हमेशा बढ़ाती रहता, घटाती रहती और अपने पक्ष में एक तरह से बनाए रखती सबको, तो ये भी काफी रहा गया। लेकिन संविधान संशोधन पर हमेशा आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है, इस पर दोनों में टकराव भी रहते हैं, ठीक है, याद रखिए। लास्ट में कहां पहुंच चुके हैं, निष्कर्ष भी अच्छी बात है कि आपको इसमें अध्याय का निष्कर्ष भी बता दिया जाता है कि आपने क्या क्या पढ़ा है। इस अध्याय में आपने अपनी लोकतांत्रिक संरचना में न्यायपालिका की भूमिका का अध्ययन किया है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के बीच समय समय पर उठने वाले विवादों के बावजूद न्यायपालिका की साख बड़ी है,
न्यायपालिका ने कुछ से कुछ और भी अपेक्षाएं। आम आदमी को आश्चर्य होगा कि किस आसानी से अनेक दोषी लोग न्यायपालिका से बेदाग बरी हो जाते हैं और कैसे धनी और दबंगों के अवसर में गवाह अपने बयान से मुकर जाते हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में स्वयं न्यायपालिका भी चिंतित है, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यायपालिका देख रेख साक्ष्य के आधार पर चलती है, और जब साक्ष्य ना रहे, भले ही आपके साथ गलत हुआ है लेकिन साक्ष्य नहीं, आपके पास गवाह नहीं है, तो वो खत्म हो जाती है। इस अध्याय में आपने देखा है कि भारत में न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली संस्था है। इस शक्ति ने बड़े आशय और बहुत सी आशाओं को जन्म भी दिया है। भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के लिए भी जानी जाती है। अनेक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान की नई व्याख्या दी है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी की है। जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा, लोकतंत्र वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है। इन दोनों को संविधान की सीमाओं के अंदर ही रहकर कार्य करना पड़ता है। आप लोग जानते हैं कि चाइना की क्या स्थिति है, लोकतंत्र नहीं कह सकते आप लोग, ना के बराबर लोकतंत्र कह सकते हैं। पाकिस्तान में भी यही स्थिति देख सकते हैं। 1947 में आपने जब बंटवारा हुआ देश का, तो उस समय आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी जनसंख्या पाकिस्तान भी हिंदुओं की गई हुई थी। आज आप देखेंगे हिंदू ना के बराबर बचे हुए हैं। या तो उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है या उन्हें मार दिया गया है, उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया है। आप कभी कभी दिल्ली के आसपास जो हिंदू वहां से भाग के आए हुए हैं, या सिख ईसाई जो भी है, उनकी दर्द भरी कहानी आप लोग सुनिए, तब आपको मालूम चलेगा। तो आप ये नहीं कह सकते हैं, अगर आप सोचिए कि वहां न्यायपालिका शक्तिशाली होती तो वो हमेशा इस तरह के टकराव जो भी होता, कोई अगर उनके साथ गलत कर रहा है तो वो भी जाती न्यायपालिका में, उसका भी उनके साथ भी न्याय होता है। हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ आपने देखा होगा हिंदू है, बुद्ध है, जैन है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, अगर किसी के साथ भी गलत होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देखता है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है या कोई और है। वो जो निर्णय है, जो सही है, जो साक्ष्य के आधार पर जो निर्णय निकल रहा है, वही निर्णय देता है। उसका जो भी निर्णय रहता है उसे सभी लोग मानते भी हैं। आप लोगों ने देखा है राम मंदिर मामले में सभी ने माना है, किसी ने कुछ नहीं कहा है। मुस्लिमों ने भी उसके जो भी सुप्रीम को एक तरह से न्यायालय का जो भी फैसला रहा है उसका आदर किया है, समझ रहे हैं आप लोग। और सुप्रीम को यानी कि न्यायालय ने भी बड़ा बीच का रास्ता चुना है कि मुस्लिमों के लिए आपने देखा है कि जगह दे दी है, लीजिए आप मस्जिद बनाइए या मंदिर बन जाने दीजिए, ठीक है। तो न्यायालय भी बड़ा सोच विचार करके देती है। ये विधिक सेवा प्राधिकरण आपके कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए सदैव विधिवत है। विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य क्या है? निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, कानूनी साक्षरता फैलाना, लोक अदालतों का आयोजन करना, विवाद निपटारे के लिए वैकल्पिक समाधानों को प्रोत्साहन देना, अपराध पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा देना। एक तरह से आप समझिए इनके लिए ये व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई है जो एक तरह से दबे कुचले हैं, जिनके पास ये सुविधा नहीं होती है। विधिक सेवा प्राधिकरण आपके कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए निम्न व्यक्ति पात्र हैं: महिला और बच्चे, अनुसूचित जनजाति और जनजाति के सदस्य, औद्योगिक कामगार, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक औद्योगिक आपदा जाती है, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप से पीड़ित लोग, विकलांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है या जो आय सीमा केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अधिसूचना सूचित करते हैं, मानव तस्करी, बेगार से पीड़ित लोग भी इस तरह के संरक्षण पाने के लिए बाध्य है। निःशुल्क कानूनी सेवा सभी दीवानी, फौजदारी और राजस्व प्रशासनिक मुकदमों के लिए दी जाती है। निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विधिक सेवाएं संस्थाएं हैं: राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पर आप देखते हैं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर आपको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उपमंडल या तालुका स्तर पर आप उपमंडल या तालुका देखते हैं विधि सेवाओं की समिति, उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्चतम न्यायालय स्तर पर आप देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति। ये आपको एक तरह से मिले हुए हैं, इनका उपयोग भी करते रहा करिएगा। तो ये अध्याय, इस अध्याय से संबंधित आपके क्वेश्चन भी दिए गए हैं। मुझे लगता है कि आपको अब विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बारे में काफी अच्छे से मालूम चल गया होगा, ठीक है। मैंने आप लोग पढ़ते रहा रहिएगा, क्या करिए आप लोग पढ़ते रहिए, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ या बुक से आपके पास, तो उससे भी आप लोग मदद करते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए क्वेश्चन, आप लोग यहाँ से पढ़ते रहिए, इसमें इन्हें भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो ये था आपका 6वां चैप्टर न्यायपालिका। अगले बात करेंगे हम लोग संघवाद के बारे में। ये भी आपका सभी चैप्टर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग।